तो नहर में पानी आता है ऊपर गधेरे से, और ये पानी जाता है खेतों में सिंचाई के लिए। आजकल वही जा रहा है गेहूं में पानी लगाने के लिए, और पानी कम आ रहा है। हम जाएंगे अभी गधेरे, ताई और मैं, वो नीचे हमारे शोरा, वहाँ लग रहे हैं पानी लग रहा है। सिंचाई के टाइम पे तो नदी का पानी आता है ना, तो अभी तो गधेरे का पानी ही है, इससे ही खेतों में पानी लगाया जाता है। अभी हम जाएंगे गधेरा पानी लेने के लिए। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है, और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। और आप सोच रहे होंगे कि इधर उधर जंगल जंगल तो कहाँ जा रही है, तो मैं जा रही हूँ गधेरा पानी लेने के लिए नहर में, क्योंकि आजकल गेहूं में पानी लगा हुआ है तो पानी कम आ रहा है, क्योंकि गधेरे से लाना है हमने पानी अभी इस नहर में। तो मैं और मेरी ताई आ रहे हैं। ताई तो पीछे रह गई है, मैं कुछ आगे ही आ गई हूँ, तो मैं यहीं पे रुकती हूँ ताई को, क्योंकि आगे अकेले नहीं जा सकती हूँ मैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ का गधेरा और यहाँ की नहर पानी की। तो चलो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों ताई तो पता नहीं कहाँ रह गई है, वही साहब नहर साफ कर रही है। और ये है नहर, कूल बोलता है जिसको, इसमें जा रहा है पानी खेतों में। और यहाँ ऊपर जंगल है और नीचे गधेरा है, और ऊपर भी जंगल है, ऊपर तो गांव भी है, कुमेड़ा गांव। गधेरे में तो पानी दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है। और ताई पता नहीं कहाँ रह गई, आई नहीं रही अभी तक, शायद वहाँ साफ कर रही है ताई। तो चलो चलते हैं। यहाँ पे है झरना, बारिश के टाइम पे यहाँ पे पानी आता है, ये झरना है। अब तो हमने ऊपर जाना है गधेरे में, ताई पता नहीं कहाँ रह गई। चलो ताई को लेने चलते हैं। तो यहाँ पे से पानी नीचे जा रहा था, ताई वहाँ पे पानी बंद कर दिया है, यहाँ नीचे जा रहा था वो पानी, ऐसे ही वेस्ट जा रहा था। ताई यहाँ पे फावड़ी से उसको बंद कर दिया है। अब जाएंगे हम ऊपर गधेरा। तो दोस्तों इस नहर में ना पत्थर पत्ती वगैरह सूखे सब इकट्ठा जाम हो रखा है, तो इस कारण पानी नीचे तक नहीं पहुंच रहा है। ये देखो बस सूखी पत्ती तो इकट्ठा हो रखी है यहाँ पे नहर में, तो उस कारण पानी रुक जाता है। तो इसी कारण पानी नीचे तक नहीं पहुंच रहा है। ताई फिर पीछे छूट गई, ये देखो दिखाई नहीं दे रही अभी। अब मैं यहीं पर वेट करूँगी ताई का। ताई उधर से नहर साफ करते करते आ रही है, क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा है। कंकड़ पत्थर नहीं बोलते जिसको, बोलते हैं मोटे बड़े बड़े पत्थर और पत्ती नहर में रुकी हुई है। चलो चलो ऐसे ही देखो क्योंकि कारण तो पानी रुको नहीं ताई। देखो इसी कारण ही पानी नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो कोई आता नहीं है इसको साफ करना, साफ करने। तो ये देखो ये लकड़ी वगैरह, इसी से पानी रुक रहा है, इधर पानी स्टोर हो रहा है। ये देखो यहाँ पे तो दोस्तों ये है गधेरा, जहाँ से पानी जाता है खेतों में, और लगता है यहाँ भी पानी कम ही है। ये देख सकते हो यहाँ पे वो बना था, पूरी दीवार बनी थी जिसको बोलते हैं खाली टाइप, स्विमिंग पूल टाइप का। पिछले ब्लॉग में देखा होगा आपने, हम यहाँ रखे थे नहाने के लिए जब रोपाई थी। तो ये तो टूट चुका है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे, और आधा ये भी टूट चुका है, क्योंकि यहाँ पे गांव के जितने भी छोटे लोग हैं, बच्चे वगैरह, लड़कियाँ और लड़के जो भी है छोटे बड़े, सब यहाँ थे इस स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। यहाँ ये स्विमिंग पूल बना था दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे टूट गया पूरा, बस थोड़ा उस साइड रह गया है, पता नहीं ये कब टूटा। तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है, दोबारा बनेगा स्विमिंग पूल, तो दोबारा यहाँ नहाने आएंगे
रुपाई के टाइम पे, और पानी देखो बहुत कम है। अब ताई यहाँ से ले जाएगी पानी नीचे, अब देखते हैं। यहाँ से तो पानी उतना ही जा रहा है नीचे, यहाँ पर रहता पानी स्टोर, मतलब पानी तो फुल रहता था ऊपर तक, यहीं पे पानी स्टोर रहता था तो बचा हुआ पानी नीचे निकल जाता था। ये तो टूट गया है ऊपर, देखो कितने पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर। और यहाँ पे एक टैंकी है, यहाँ ऊपर एक चक्की भी है, यहाँ बेड़ा बोलते हैं ऊपर को, और ये है रास्ता घर जाने का, ये ऊपर वाला। हम नीचे की नहर से आए थे और उसी नहर से जाएंगे, ऊपर भी एक नहर है, वो है यहाँ आने का रास्ता, ऊपर चक्की में आने का रास्ता। तो ताई देखो वहाँ पे पानी, इससे जो पानी नीचे जा रहा है वो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर वेस्ट नहीं जाएगा, वो सब इस नहर में चले जाएगा। यहाँ पे ताई पानी ले जा रही है पावड़ी के दौरान माध्यम से, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे पानी का कुंड बना हुआ है जो की रहा है। यहाँ पे कितना थोड़ा गहरा है, अगर ये बराबर रहता तो पानी यहाँ पे नहीं रुकता। तो ये पानी पीने के लिए भी है, बट अब लोगों के घरों में पानी चले गया है तो इस पानी का यूज़ लोग कम ही करते हैं पीने के लिए। तो चलो हम भी चलते हैं भाई, ये जा रहा है यहाँ से पानी नीचे। ये मैं खोज छो पानी सौ उजाण छो इन्हें कर, तो ये जा रहा है बचा हुआ पानी नीचे गधेरा नदी में। ताई पानी कहाँ आता पहुँचा दूर, तो दोस्तों हम गधेरे से पानी लेकर आ गए हैं नीचे, और यहाँ से मैं जाऊँगी घर में, घर, और ताई जाएगी खेत में, उसके बाद ताई जाएगी स्कूल क्योंकि स्कूल का टाइम भी हो गया है। तो देखते हैं क्या क्या होता है, अभी आप हमारे साथ बने रहे, कहाँ कहाँ तक पहुँचते हैं हम, तो चलो चलते हैं। यहाँ पर भी पानी स्टोर होता है, यहाँ से नीचे जा रहा था पानी, ताई ने यहाँ पे बंद कर लिया है। और ये देखो यहाँ पे इससे पहले पानी थोड़ा सा था, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इस पोल के माध्यम से नदी का पानी आता है ऊपर, टैंकी है ऊपर, टैंकी है यहाँ ऊपर पे, और इस रास्ते आता है नदी का पानी सीट करके खेतों में चला जाता है सिंचाई के लिए नदी का पानी। देखो यहाँ पे भी एक चक्की थी जिसको बोलते हैं घट, जो पानी से चलती थी, तो यहाँ पे वही चक्की थी, तो अब ये टूट चुका है काफ़ी सालों से, तो यहाँ पे इसका यूज़ नहीं होता है। ये है यहाँ का रास्ता, यहाँ पे कपड़े भी धोते हैं और नहाते भी हैं। ये यहाँ पे कपड़े धोने के लिए बना हुआ है, पहले हम जाते थे यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। अब तो कोई नहीं आता है कपड़े धोने के लिए, देखें चलते हैं। ये है पानी का धारा, यहाँ अंदर सुरंग बनी हुई है, कितना अंधेरा हो रखा है, अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है। यहाँ पे पहले हम नहाते भी थे, कपड़े भी धोते थे यहाँ पे, और जब से पानी घर घरों में आ गया है तब से यहाँ पे कोई नहीं आता है, मतलब आते हैं लोग कपड़े धोने के लिए, बट हमारे साइड के लोग नहीं आते हैं। चलते हैं, ये है शुद्ध पानी, पता नहीं कहाँ से आता है, ऊपर 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 और जंगल। चलो अब चलते हैं घर, ताई यहाँ घर को शायद कर दिया है क्योंकि वहाँ पानी स्टोर है।
वहाँ अंदर भी पानी ज़्यादा स्टोर हो रखा है, ताई वहाँ पत्थर निकाल दिया वहाँ से। अब आ गया पानी फुल। तो दोस्तों सरसों पीली पीली हो रखी, आ गिर गई थी, सॉरी। कितनी अच्छी लग रही है, सुहानी मुहानी। तो यहाँ से जा रहा है ये पानी, एक नाली तो नीचे के लिए है, यहाँ से जाता है ये पानी हमारे खेत में खड़ी, जहाँ बड़ा बड़ा खेत है, बड़े बड़े खेत है दो, एक यहाँ, हाँ दो छोटे छोटे हैं। और यहाँ से पानी जाता है तिलवाड़ी, और यहाँ पता नहीं कहीं नाम है खेतों के, यहाँ से जाता है पानी। और यहाँ नीचे पे हमारा भी खेत है, ये देखो ये सरसों के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ नीचे हमारा खेत है, उधर है, चलो दिखाती हूँ आपको। ये हमारा खेत सगड़ी, बाड़ी सगड़ी, ये ताई का है, या मेथी बो रखी है, ये बीच वाला हमारा है, और ये उधर वाला भी ताई का है, और ये सरसों की खेती है बुआ लोगों की। बंदरों ने कितना नुकसान कर रखा है यहाँ। तो चलो अब चलते हैं हम घर।